देख कर हनुमत क्रोध में आए, देख के उनका रूप भयंकर राक्षस सब घबराए। बांधने चले रावण सम्मुख ऐसे थे चकराए, क्रोधित रावण की आज्ञा पर पूछ में आग लगाए। किंतु पवन सुत रूप विकट धर नई छटा दिखलाए, राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम मान से सुनकर सब कुछ राम हो गए क्रोध, ऐसे में सागर भी उनको कर ना पाया बाधित। लक्ष्मण को अमृत मूर्छाई, राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। कुछ भी समझ पाए वो हिम गिर खाए बिना सतरंगा। पर्वत गिरे उखाड़ा जड़ से, पर्वत गिरे उखाड़ा जड़ से, जड़ी जो समझ न आई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। मेघनाथ के मर गिरने पर रावण था पछताया, क्रोध को अपने रोक न पाया स्वयं युद्ध में आया। दूजी और त्रिशारंग हाथ में खड़े रघुराया, घमासान जो हुआ भयंकर कोई समझ ना पाया। दशानन के दसों सिरों को दस दस बार गिराया, इंद्र मट्टा था माया भी जागे जीवन पाया। तभी विभीषण जी ने आकर राम को मर्म बताया, मारा तीर नाभि में जो ही रावण बच ना पाया। गिरा दशानन भू पर आकर जीत गए रघुराई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई।
अपने अग्रज के स्वागत को। माताएं तीनों थी वहां पे, दीदी थी आसी से सबको, जन जन हनुमान से थे अचंभित, चकित खड़े देखे आगत को। के दीप जलाए सबने राम राज के सुस्वागत को। अभिषेक हुआ श्री रामचंद्र का, तिलक हुआ श्री रामचंद्र का, दिवाली फिर गई मनाई, राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई, राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। अपनी आंखों में कैद करने के लिए, और आप भी देखिए, आप घर बैठे भी महसूस कर सकते हैं कि क्या नजारा होता है, रोम रोम खिल जाता है, किस तरीके से यहाँ पर जो हर एक व्यक्ति मौजूद रहता है उसे अनुभूति होती है कि अयोध्या में वाकई आज भी कड़कड़ में श्री राम है, जिसका जिक्र पीएम ने भी किया, यहाँ के कड़कड़ में श्री राम बसते हैं। और ये कम से कम ये लेजर लाइट शो देखने के बाद तो आपको निश्चित तौर पर लगेगा, और जरूरी है कि हम न केवल इस लेजर लाइट शो के जरिए हर एक कांड को पढ़ें, तो जरूरी है कि न केवल लेजर लाइट शो के जरिए हम, जरूरी है कि समझें अयोध्या की उस महत्व को, रामचरितमानस के उन तमाम पन्नों को समझें जो आज उकेरने का काम राम की पैड़ी पर किया गया है। राम की पैड़ी पर आपने देखा किस तरीके से भव्य दिव्य लेजर लाइट शो किया गया, अभी भी ये लेजर लाइट शो चल रहा है, 3D लेजर लाइट शो है। मैं आपको बता दूं हर साल से अलग ये लेजर लाइट शो कैसे है, हर साल सिर्फ लेजर लाइट शो होता था, इस बार 3D लेजर लाइट शो है, यानी कि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपको आकृतियां चलती हुई भी दिखाई दे रही हैं, तो इस बार ये ऐसे अलग है। तो ये लेजर लाइट शो की तस्वीरें आपके सामने हैं, हर कोई व्यक्ति जो अयोध्या में मौजूद है वो तो महसूस कर ही रहा है कि राम की मौजूदगी आज भी अयोध्या में ही है, आज भी अयोध्या में वो सभी चीजें हैं जो आप फील कर सकते हैं। कि यहाँ के लोग कहते हैं कि अयोध्या सिर्फ एक जगह नहीं है, भाव है हमारे लिए अयोध्या, अयोध्या के कण कण में आज भी श्री राम बसते हैं, मंदिर मंदिर में प्रभु श्री राम जानकी मैया बिराजती हैं,
रामकथा पार्क में हम मौजूद हैं। जैसा सरकार ने व्यवस्था की है, यहाँ पर भी 6-8 अलग अलग देशों के जो है रामलीला मंचन करने के लिए 1500 कलाकार कम से कम आए हैं, वो यहाँ पर चल रहा है। और लेजर लाइट शो तो आप तस्वीरें देख ही रहे हैं, बड़ी अनोखी अलौकिक तस्वीरें होती हैं। आप जो हर एक व्यक्ति वो राम की पैड़ी पर मौजूद होगा महसूस कर पाता है उस हर एक वाइब को, हर एक धुन को, कि कैसे राम से जुड़े प्रसंगों को जब उकेरा जाता है तो सब चीजें एकदम सामने आने लगती हैं कि हम कहते हैं कि आज हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सोचिए कि जिसके आगे राजा बनने की पूरी सीमाएं थी, जो राजा बनने जा रहा था, पूरा रास्ता था, उसको अचानक कह दिया गया कि वो बन जा रहा है, लेकिन उसने हस्ते हस्ते वन को स्वीकार किया। यही प्रभु श्री राम समझाते हैं कि वो कैसे हर एक चीजों को समझते गए, पढ़ते गए और चीजों को करते गए। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति हमें समझाती है, सनातन संस्कृति हमें समझाती है कि राम वो हैं जो ईश्वर होकर भी संघर्ष करते रहे, और उनकी जीवन शैली हमें ये समझाती है कि हम इंसान जरूर हैं, लेकिन हमें भी जरूरत है कि हम स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आगे ऊंचाइयां हमारा इंतजार कर रही हैं। वन जाने से पहले सिर्फ राम थे, लेकिन वन से जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए और राजा राम तब बने। हजारों साल तक उन्होंने यहाँ पर राज किया और उसके बाद में पूरी अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान को सौंप कर गए। और गढ़ी, आप जब अयोध्या आएंगे तो देखेंगे कि गढ़ी ऊंचे पर बना हुआ है और रामलला थोड़े नीचे पर विराजे, वो इसीलिए क्योंकि जाते वक्त जिम्मेदारी गढ़ी को दी गई थी। मेरे पीछे भी तस्वीर देख रहे हैं, रामकथा पार्क में झारखंड की इस रामलीला का मंचन किया गया यहाँ पर, और यहाँ पर लोगों ने भी उसका लुत्फ उठाया। साथ ही साथ टीवी स्क्रीन पर हम आपको लेजर लाइट शो भी लगातार दिखा रहे हैं, जिस लेजर लाइट शो के लिए इतनी तैयारियां की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिसका लुत्फ उठा रहे हैं। और सिर्फ लुत्फ नहीं, आज राम की पैड़ी पर मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि मैं भी राम की पैड़ी पर जब मौजूद थी तो उस पूरी वाइब को महसूस कर सकती थी। वो स्ट्रॉन्ग वाइब आती हैं जो आपको महसूस कराती हैं, एहसास दिलाती हैं, आदत महसूस कराती हैं कि आप अयोध्या में हैं। आप मत भूलिए कि आप न केवल देश की विदेश की एक विश्व पर्यटन स्थली पर हैं, बल्कि आप राम की अयोध्या में हैं। अयोध्या आपको वो एहसास दिलाती है। ये देखिए किस तरीके से लोग श्री राम का जय घोष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से सीधे हेलीपैड जाएंगे और वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, तो राम का उद्घोष यहाँ पर किया जा रहा है। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय का उद्घोष समस्त राम पैड़ी पर मौजूद लोग कर रहे हैं, और इसका इंतजार साल भर किया जाता है। अब सबको पता चल गया है कि हर साल दीपोत्सव पर उत्तर प्रदेश की अयोध्या में किस तरीके से कार्यक्रम होने हैं, और उसको लेकर लोग पहले पहले तैयारियां करते हैं, पहले पहले महीनों पहले अपने टिकट को रिजर्व कराते हैं और यहां पर आते हैं सिर्फ और सिर्फ इस दीपोत्सव को देखने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अभी इस लेजर लाइट शो को देखा। यहाँ पर इस कार्यक्रम की समाप्ति हो जाती है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो लोग नहीं जा पाए क्योंकि